नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस एरो इंडिया 2023 में ओरलॉन 10E और ओरलॉन 30 UAV को बढ़ावा देगा। दोस्तों, एयर इंडिया 2023 में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट अपने ओरलॉन 10E मानव रहित हवाई वाहन UAV को प्रदर्शित करेगा। ओरलॉन 10E UAV 1.8 मीटर लंबा है, जिसके पंखों का फैलाव 3.1 मीटर है और टेक ऑफ वजन 18 किलोग्राम है और पेलोड ये 5 किलोग्राम है। दोस्तों, ये 5 किलोग्राम तक वारहेड या मिसाइल ले जा सकता है। इसकी गति 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 घंटा की सहन शक्ति है। दोस्तों, ये 15 घंटे तक आसानी से हवा में रह सकता है और अधिकतम ऊंचाई 6000 मीटर है। ये 6000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ओरलॉन 10E एक पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है और इसका उपयोग लेजर टारगेट डिजाइन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मिशनों जैसे कि हवाई टोही अवलोकन, निगरानी, खोज और बचाव, मुकाबला प्रशिक्षण, जैमिंग, रेडियो सिग्नल डिटेक्शन के लिए किया जा सकता है। दुर्गम इलाकों में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकता है, जैसे दोस्तों जंगल हो, पहाड़ हो, जहां आदमी नहीं पहुंच सकता, उस जगह ड्रोन का उपयोग करके लक्ष्य का पता लगाया जा सकता है। या आप आतंकवादी का पता लगाना चाहते हैं या अपने एनिमी का पता लगा सकते हैं, तो दोस्तों ये लक्ष्य ट्रैकिंग में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों, ओरलॉन 10 सिस्टम मानव रहित हवाई वाहनों, लॉन्च और रिकवरी सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट और विनिमय पेलोड से बना है। UAV में हाई विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ टेल प्लेन और वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ एक मॉड्यूलर डिज़ाइन है। ओरलॉन 30 एक अत्याधुनिक रूसी UAV है। यह ओरलॉन 10 का संशोधित संस्करण है। ड्रोन 27 किलोग्राम तक के उच्च टेक ऑफ वजन का उड़ान भर सकता है। ओरलॉन 30 अब 8 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल छवि स्थिरीकरण वाला कैमरा, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टोई और असर उपकरण, विकिरण पृष्ठभूमि माप उपकरण और इसी प्रकार के UAV को लेजर टारगेट पॉइंटिंग रेंज फाइंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में ड्रोन लक्ष्य को रोशन कर सकता है। ओरलॉन 30 की अधिकतम उड़ान गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। दोस्तों, ये पहले ड्रोन की 10E के तुलना में ये 5 घंटे तक ही हवा में रह सकता है, जबकि 10E 15 घंटे तक हवा में रह सकता है। पर दोस्तों, ये 10E से ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है, 8 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों, उसका कारण है कि ये उसका उन्नत संस्करण है और इससे भी उन्नत संस्करण बनाने पर रशिया काम कर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के ड्रोन रशिया यूक्रेन के युद्ध में बहुत ज़्यादा रशिया का साथ देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन ने टर्की के बाइक्टर ड्रोन का उपयोग किया था रशिया के खिलाफ और रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद रशिया ने ईरान के ड्रोन का उपयोग किया था और काफ़ी नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया था। उसके बाद रशिया को पता चल गया कि ड्रोन युद्ध के में समय महत्वपूर्ण योगदान है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों रशिया की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। रशिया ने दोस्तों अपने सोवियत संघ के ज़माने की टेक्नोलॉजी पर कोई काम नहीं किया और उस पर ज़्यादा काम नहीं करने के कारण उनकी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ और इसलिए यूक्रेन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने आसानी से यूक्रेन के टैंकों को रशिया के टैंकों को मार गिराया और उनके एयरक्राफ्ट को मार गिराया। क्योंकि दोस्तों नाटो और अमेरिकन हथियार जो फ्यूचरिस्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थे, जबकि रशिया के हथियार केवल सोवियत संघ की डिज़ाइन किए हुए थे और उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी। दोस्तों, जो उसके पास टैंक थे, आपको पता है भारत भी उसी प्रकार के टैंक को यूज़ करता है। इस युद्ध को देखने के बाद भारत ने अपने आप को सतर्क किया और दोस्तों टैंकों पर काम करने लगा। SU-30 MKI को भी सुपर सुकोई बनाने में लग गया और दोस्तों जो हमारा भीष्म टैंक है और जो 72 टैंक है, इन दोनों टैंकों पर काम किया जा रहा है और इनको अपग्रेड किया जा रहा है। और दोस्तों इन टैंकों को ड्रोन से भी लैस किया जा रहा है, सुसाइड ड्रोन से भी लैस किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आने वाला जमाना युद्ध केवल ड्रोन पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि दोस्तों ड्रोन आसानी से हमला किया जा सकता है बिना जान मान की हानि के। हाँ, केवल पैसों का नुकसान तो ज़रूर होता है, पर दोस्तों कोई भी आदमी या जो पायलट होता है या सैनिक होता है वो शहीद नहीं होता है। तो दोस्तों ये दोनों ड्रोन रशिया इसलिए चाहता है कि भारत अमेरिका से ड्रोन न खरीदे और ये 10E और 30E ड्रोन रशिया से भारत खरीदे, इसलिए 2023 एयर शो में बढ़ चढ़कर रशिया हिस्सा ले रहा है और भी अपने हथियारों को
प्रदर्शित करने वाला है। दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से दूर रहे, इसलिए अमेरिका भारत को अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार हो गया है। और दोस्तों, इधर रशिया भी केवल हथियारों और पेट्रोल से ही पैसा कमाता है, इसलिए रशिया जानता है कि अगर भारत जैसा ग्राहक हमारे हाथ से चला गया तो फिर हमारे से कोई हथियार नहीं खरीदेंगे। क्योंकि दोस्तों, राफाल फाइटर जेट को भी आपने देखा है कि भारत के खरीदने के बाद ही पूरी दुनिया ने राफाल फाइटर जेट खरीदने लग गए। जो भी फाइटर जेट भारत खरीदता है, पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ता है और वो हथियार भारत खरीदता है। इसलिए अमेरिका भी पीछे पड़ा हुआ है और रशिया भी ये बात समझ गया है। दोस्तों, जब हमने SU-30 MKI खरीदे थे तब बहुत सारे SU-30 MKI बिके थे, यहाँ तक कि चाइना ने भी रशिया से SU-30 MKI खरीदे थे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। भारत अगर किसी भी हथियार का उपयोग करता है तो पूरी दुनिया की नज़रें टिकी रहती है। उसका कारण है दोस्तों, दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर की मिलिट्री ताकत है भारत। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को रशियन ड्रोन में शामिल हो जाना चाहिए और रशिया के साथ मिलकर डेवलप करना चाहिए, या अमेरिकन ड्रोन प्रीडेटर जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही निर्माण किए जा रहे हैं उनके साथ रहना चाहिए? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।